दोस्तों काफी टाइम से मैं ये पार्सल का इंतजार कर रहा था। फाइनली वी हैव गॉट एन इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट फॉर मसक अली और मेरी Hyundai Venue या तो कोई भी कार, ये तो कोई भी कार में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अनबॉक्स करने के पहले ये देखो, कुछ हफ्तों पहले मैंने वीडियो बनाया था क्यूबो स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर्स का, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स और बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट खरीदे भी है। सो द सेम हीरो ग्रुप्स ब्रांड क्यूबो हैज कम अप विद अ फंटेस्टिक न्यू प्रोडक्ट फॉर कार्स। ये प्रोडक्ट मेरी लाइफ इजी बनाएगी बिकॉज मैं यूट्यूबर हूँ, मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और अपार्ट फ्रॉम दैट सेफ्टी मेरे को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। दिस इज क्यूबोस डैश कैम प्रो 4K। सो क्यूबो के ऑलरेडी दो डैश कैम्स मार्केट में मिलते हैं, आई थिंक क्यूबो डैश कैम प्रो है और क्यूबो डैश कैम प्रो GPS है। दिस इज द 4K मॉडल एंड दिस इज इंडियाज ओनली इंडिजिनियस डैश कैम विथ 4K रेजोल्यूशन। वैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा शायद डैश कैम होता क्या है। तो डैश कैम इज बेसिकली एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ आइज इनसाइड योर कार वॉचिंग अराउंड विच इज ऑलवेज ऑन, वो हमेशा शुरू रहता है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम जब भी ड्राइव करते हैं, कार ट्रिप पे जाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल सीनरी दिखती है, लैंडस्केप दिखता है और बाद में हमको लगता है कि यार आई शुड हैव रिकॉर्डेड इट, या तो कभी कभी रास्ते पे कुछ हो गया एंड देन दैट इंसिडेंट यू शुड हैव रिकॉर्डेड। तो ऐसे टाइम पे कैमरा निकालो, ऑन करो, बहुत टाइम हो जाता है और वो मोमेंट भी निकल जाता है। तो ऐसे टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है बिकॉज दिस इज 4K बेस्ट क्वालिटी पॉसिबल। तो आपको अब से आने वाली कार ट्रिप्स में बहुत बढ़िया लैंडस्केप व्यू मिलने वाला है बिकॉज ऑफ दिस कैमरा। एंड इसका बेस्ट पार्ट पता है, ये पीछे से भी रिकॉर्डिंग करता है, दिखाता हूँ आपको। करते हैं इसको अनबॉक्स, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। सो देर इज़ अ लॉन्ग केबल बिकॉज इसमें रियर कैमरा भी है, तो ये जाएगा शायद पीछे वाले कैमरा को। ये वाला केबल है, दिस विल गो आई थिंक टू द मेन कैमरा। अब इंस्टॉलेशन के वक्त हम प्रॉपरली इसको चेक करेंगे। दिस इज़ वन मोर केबल ये बॉक्स में। इसमें क्यूबो का 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, क्योंकि ऑफकोर्स कैमरा को पावर लगेगी तो कैमरा को पावर जाएगी ये USB पोर्ट से। दिस इज़ अ सक्शन माउंट, सो दिस विल स्टिक अंडर योर विंडशील्ड और यहाँ पे कैमरा फिट हो जाएगा। चलो जी अब आते हैं मेन प्रोडक्ट्स पे। दो कैमरा है यहाँ पे, देख सकते हैं। सबसे पहले मेन कैमरा निकालते हैं, दिस इज़ द मेन 4K कैमरा जो सामने रिकॉर्डिंग करेगा। वाओ, देयर इज़ ऑल्सो डिस्प्ले आउट हियर। यहाँ पे नीचे बटन्स है, यहाँ पे साइड में देयर इज़ अ पावर बटन, यहाँ पे एक रीसेट बटन भी है। सो टुवर्ड्स द राइट साइड विल गेट अ माइक्रो SD कार्ड स्लॉट एंड अ पावर इनपुट। तो इसमें आप SD कार्ड लगा सकते हैं लेकिन वो आपको सेपरेटली खरीदना पड़ेगा। और ये है रियर कैमरा विच इज 1080p, ये रियर के लिए। ये तो रोटेट भी होता है, तो ये वाला जो स्टिकर है ये रियर कैमरा इंस्टॉल करने के लिए है। तो पीछे जो विंडशील्ड होती है उस पर ये स्टिक करना होता है और यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो ये एरो के वहाँ पे ये ऐसा लगाना पड़ेगा, ये पील ऑफ हो जाएगा, ये ऊपर की लेयर जो है इट विल गेट पील ऑफ एंड देन दिस विल बी कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट और इसके ऊपर हम लोग कैमरा लगाएंगे। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे एक बटन है, मतलब अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हो और आपकी स्क्रीन फ्लिप करनी है आपको तो ये बटन से फ्लिप हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे इसकी लेंस है और यहाँ पे देयर इज अ पावर इनपुट। अभी ये सब देख के आपको लग रहा होगा कि इसको इंस्टॉल करना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये सब इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा इजी है। तो आपको अगर रियर कैमरे की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फ्रंट कैमरा चाहिए तो आपको वो भी सेपरेटली मिलेगा और फ्रंट कैमरा आप आराम से खुद से इंस्टॉल कर सकते हो। सो दिस कैमरा गोज इन द फ्रंट, ये जो सक्शन माउंट है इसको अटैच हो जाएगा, ये जो केबल है ये केबल से डायरेक्टली पावर इनपुट से ही अटैच हो जाएगा एंड रियर कैमरा जो पीछे लगेगा उसको ये केबल लगेगी। सो इफ़ यू हैव बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू यू नो डू दीज थिंग्स इनसाइड द कार तो आप घर पे भी ये कर सकते हो। आई वोंट टेक एनी चांस, आई विल गो टू अ मैकेनिक एंड ही विल फिक्स दिस फॉर मी। यहाँ पे हो रहा है इंस्टॉलेशन अपने डैश कैम का, पहले फ्रंट वाला लगा रहे हैं फिर पीछे वाला लगाएंगे। पर पूरा लगाने के पहले हम लोग पहले चेक करेंगे कि सब सही से चल रहा है क्या, मतलब ऑफकोर्स चल रहा है बट जस्ट एक वेरिफिकेशन पर्पस के लिए। बोथ ऑफ द कैमराज आर कनेक्टेड, अभी पावर सप्लाई देंगे और चेक करेंगे सब कुछ सही है क्या। सो फ्रंट वाला देखो शुरू हो चुका है। सो नीचे देखो एक बटन है, वो बटन दबा के रियर कैमरा पे स्विच हो गया। सो दिस इज द रियर कैमरा, क्या बात है, मतलब वहीं से हम स्विच भी कर सकते हैं। सो इट्स वर्किंग कम्प्लीटली फाइन, अभी इसको प्रॉपरली इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस इसको इंस्टॉल करने का एक तरीका ऐसा है, फ्रंट कैमरा से ये वायर जाएगा सीधा पावर में और रियर कैमरा का जो केबल है वो फ्रंट कैमरा के ही एक आउटपुट है, यहाँ से रियर कैमरा का जाएगा। सो रियर कैमरा को अलग से पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है विच इज ऑब्वियस क्योंकि दोनों कैमरा सिंक में है। वैसे आपको इसके साथ यूजर मैनुअल तो मिलता ही है, तो जस्ट इन केस इफ यू आर डूइंग इट योरसेल्फ और आपके मैकेनिक को पता नहीं तो आप यूजर मैनुअल
चेक करके बता सकते हैं। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट एक्चुअली, दो मिनट में इसने चेक कर लिया। अब बस इसको इसके अंदर से वायरिंग डालना है। तो मेन कैमरा का वायरिंग हो चुका है, ये देखो अंदर से वायरिंग आ गया, दिख भी नहीं रही है। यहाँ से केबल आके सीधा ये अडाप्टर को लग गई। अभी पीछे की वायरिंग शुरू है तो वो ऐसी जाएगी। तो रियर कैमरे की वायरिंग पीछे तक आ चुकी है। तो ये वायर काफी लंबी है, मतलब आपकी कार अगर लंबी है, सिडान है या इनोवा जैसी कार है तो ये इनफ हो जाएगा। अभी ये कार इतनी लंबी है नहीं, इसलिए एक्स्ट्रा केबलिंग अंदर पुश करके उसको छोटा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ये स्टिकर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लेस द रियर कैमरा नेक्स्ट टू दिस एरो, तो यहाँ पे हमको कैमरा स्टिक करना पड़ेगा। तो ये चिपक जाएगा विंडशील्ड को और इसके ऊपर चिपकेगा कैमरा। तो ये लग रहा है पीछे का कैमरा। तो गाइस लग गया अपना रियर कैमरा, परफेक्ट पोजीशन है। अब इसको हम लॉक कर रहे हैं और उस हिसाब से वायरिंग फाइनल कर रहे हैं। दैट्स इट, डन। आई थिंक 20 मिनट्स लग गए, 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स, सॉर्टेड। तो अपना क्यूबो डैश कैम हो चुका है इंस्टॉल, सेटअप करेंगे अभी। लेकिन उसके पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो यहाँ आपको डैश कैम दिख रहा होगा, अंदर से भी मैं दिखाऊंगा। और बैक साइड में ये रहा अपना डैश कैम, अंदर से दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिख रहा है, देख सकते हैं। इसको मैं रोटेट भी कर सकता हूँ जैसा मुझे चाहिए, उसको एंगल भी सेट कर सकता हूँ, इसको इनफैक्ट मैं अपनी तरफ भी मोड़ सकता हूँ। अब पीछे का डैश कैम मैंने थोड़ा साइड में लगा दिया है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे प्रॉपर व्यू तो मिल ही रहा है। इनकेस अगर आगे जाके लगता है कि चेंज करना है तो आई कैन चेंज इट्स पोजिशन एट द सेंटर। तो कार स्टार्ट करते ही आपको आपका डैश कैम चालू हुआ दिख जाएगा, ये देख सकते हैं। तो अभी तक मैंने इसको सेटअप किया नहीं है, सेटअप करने के लिए मुझे क्यूबो प्रो ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसका ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो इधर फ्रॉम प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर, क्यूबो प्रो ये ऐप है। वंस यू डाउनलोड द ऐप, आपको ऐसा कोई स्क्रीन दिखेगा जिसमें काफ़ी सारे क्यूबो के प्रोडक्ट्स है, तो आपको कौन सा कनेक्ट करना है। तो ये देख सकते हैं इसमें 4K डैश कैम लिखा हुआ है, बाकी भी प्रोडक्ट्स है। उसके बाद ये पूछेगा कि इज द रेड लाइट ब्लिंकिंग, तो देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइट इज ब्लिंकिंग। तो येस पे हम अगर क्लिक करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। अभी मोबाइल से डैश कैम कनेक्ट होगा वाईफाई से, तो इसमें ये बोल रहा है कि वाईफाई को कनेक्ट करो, इसमें आपको क्यूबो डैश कैम ये वाईफाई दिख जाएगा। तो मैं वाईफाई खोलता हूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे नीचे क्यूबो का वाईफाई आ चुका है। आपको पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड आपको ऐप में दिखेगा, नीचे पासवर्ड है। हो गया जी वाईफाई कनेक्ट, अभी खोलेंगे ऐप वापस। तो ये अभी सेटअप हो रहा है, इसमें आपको इसके कुछ फीचर्स भी दिख जाएंगे। मीनवाइल इट इज सेटिंग अप, चलो हो गया। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करके रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, उसमें से आवाज़ भी आती है, सो दैट असिस्टेंट आपको बताएगा कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं आप, ये सामने का रिकॉर्डिंग मुझे मोबाइल पे ही दिखा रहा है। अगर मैं चाहूँ तो पीछे की भी रिकॉर्डिंग देख सकता हूँ, पीछे जो कैमरा लगा हुआ है। सो सामने का कैमरा इस 4K क्वालिटी आपको मिलेगी फ्रंट से, पीछे से आपको मिलेगी 1080p क्वालिटी। तो मैंने रियर कैमरा स्विच कर दिया है, ये देखो ये रियर कैमरा। अब इसके ऊपर आपको टाइम और डेट भी मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव पॉज, काफ़ी ऑप्शंस है इसमें। आप ऑडियो भी चालू कर सकते हैं, आप फोटो भी शायद खींच सकते हैं। यस, इमेज सेव्ड इन गैलरी, देख सकते हैं यहाँ पे फोटो क्लिक करने का बटन है। आप इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, जी हाँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज लाइव रिकॉर्डिंग। वैसे आपको स्पीड भी यहाँ दिख जाएगी कि आपकी कार की स्पीड क्या है, और इसके ऊपर आपको दिखेगा कंपस, और वहीं पर सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे काफ़ी सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। ऑफकोर्स ये डैश कैम में GPS है, तो GPS हमेशा अनेबल्ड रखेंगे तो ही बेटर है। इंटरेस्टिंगली आप इसमें ओवर स्पीड लिमिट तक सेट कर सकते हैं दोस्तों, फिलहाल 80 पे है। यू कैन इवन जियो फेंस, आप जियो फेंसिंग भी कर सकते हो इसमें। जियो फेंसिंग बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में फेंसिंग आप कर दोगे तो कार उसके बाहर जाएगी तो अलर्ट आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड जियो फेंसिंग। तो अभी मैंने जो रिकॉर्डिंग की है ये आप यहाँ पे गैलरी में देख सकते हैं। तो गैलरी में जाऊँगा तो ये देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग है, इसको मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं प्ले भी कर सकता हूँ और यहीं से डायरेक्टली मैं शेयर भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, एंड आई कैन इवन मार्केट एज अ फेवरेट, क्योंकि काफ़ी सारे अगर एड अप हो गए तो आपको समझना चाहिए कि कौन सा आपका फेवरेट है। तो यहीं से मैं वीडियो सेव कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं 4K वीडियो मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ राइट ऑन माई मोबाइल, यहीं से डायरेक्टली मोबाइल में डाउनलोड हो गया, क्या बात है। और जस्ट फॉर प्रूफ अगर मैं मोबाइल से आपको ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं आप 4K लिखा हुआ है। दिस इज ग्रेट यार, मतलब
जब भी मैं अभी कार ट्रिप्स में जाऊंगा और मैं कोई सीनरी देखता हूँ या कुछ बहुत अच्छी चीज़ देखता हूँ दैट आई वॉन्ट टू शो इन व्लॉग, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता बिकॉज आई एम ड्राइविंग, तो मैं बाद में यहीं से डाउनलोड करके डायरेक्टली मैं अपने लैपटॉप में डाल के एडिटिंग के लिए डाल सकता हूँ, बहुत हैंडी हो जाएगा। सेम गोज फॉर रियर कैमरा, फ्रंट वाला 4K है, बेस्ट क्वालिटी आएगी। तो अपना डैश कैम इंस्टॉल हो चुका है परफेक्टली, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। अभी मैं आपको इसके बहुत ही बढ़िया फीचर्स बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट लीडिंग फीचर इसका है 4K रिकॉर्डिंग। ये रहा फुटेज, अमेजिंग क्वालिटी। इसको मैं जूम करूंगा तो देख सकते हैं आप क्लैरिटी, बिकॉज दिस इज 4K। इतना जूम करने के बाद भी आई कैन सी दिस टेम्पो का पूरा डिटेल। इसको जूम आउट करूंगा तो देखो टेम्पो कितना दूर है। और क्यूबो डैश कैम की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जैसे आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियो में आपको सामने वाली कार की नंबर प्लेट एकदम क्लियरली दिख रही है, आराम से आप उसको रीड कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है एज अ वीडियो प्रूफ, जब भी कोई हिट एंड रन होता है या कार एक्सीडेंट होता है या कोई अनअवॉइडेबल सिचुएशन होती है और आपको एक प्रूफ चाहिए, तो ये वीडियो प्रूफ आपको बहुत काम आ सकता है। इसका सबसे बढ़िया फायदा होगा जब भी आप घूमने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आप अच्छी जगह पे जाते हैं, आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, यू आर ड्राइविंग और आप रिकॉर्ड करना भूल जाते हो, लेकिन दिस कैमरा विल रिकॉर्ड इट फॉर यू इन द बेस्ट क्वालिटी पॉसिबल। स्पेशली इफ यू आर अ व्लॉगर लाइक मी, कंटेंट क्रिएटर, हम लोग के लिए बून है क्योंकि हम लोग ड्राइव करते करते मोबाइल या कैमरा निकाल नहीं सकते ज्यादातर और कुछ मिस हो जाता है। इसका और एक बढ़िया फीचर है ADAS, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। बेसिकली आपको मैं दिखाता हूँ, ऐप में भी आपको ये मिल जाएगा। तो सेटिंग्स में आपको ADAS कॉन्फ़िग दिख जाएगा, इसमें आपको लेन डिपार्चर, फॉरवर्ड कोलिजन देख सकते हैं आप, अहेड व्हीकल मूविंग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, क्या बात है, मतलब सेफ्टी फीचर्स के साथ आपको मिल जाएगा। इसका फायदा ये है कि जब भी कोई रैश ड्राइवर आता है और गाड़ी के सामने आ जाता है या तो फिर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है हाईवे पे जिसकी वजह से आपको कोलिजन वार्निंग चाहिए, तो ये आपको अलर्ट दे देगा। अनदर कूल फीचर इज ड्यूअल चैनल रिकॉर्डिंग। इसका मतलब ये है कि सामने का और पीछे का जो कैमरा है इसकी फुटेज स्टिच हो जाएगी टू क्रिएट गुड मेमोरीज फॉर यू। और इंटरेस्टिंगली पीछे का कैमरा जो है वो रोटेट होता है, तो आप उसको रोटेट करके अंदर की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, विच इज़ गुड इन केस इफ़ यू आर यू नो ड्राइविंग विद फैमिली या ड्राइवर चला रहा है, आपको अंदर का फुटेज चाहिए, तो इट इज़ अ वेरी गुड फीचर। इट्स जस्ट सिंपल, हाथ से आप उसको रोटेट करोगे तो अंदर का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अनदर इंटरेस्टिंग फीचर दोस्तों इज पार्किंग मोड। पार्किंग मोड बेसिकली कीप्स एन आई ऑन योर कार जब भी आप गाड़ी पार्क करके रखते हो, लेकिन इसके लिए आपको अलग से एक हार्डवेयर किट इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको क्यूबो डैश कैम 4K में GPS भी मिल जाएगा। और कल रात को मैंने ये कैमराज इंस्टॉल किए, इसका लोलाइट परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। सो क्यूबो डैश कैम प्रो 4K हैज़ अ पावर टू रीलिव योर मेमोरीज बिकॉज इसमें है GPS। तो जब भी आप कोई ट्रिप में जाते हो, आपके ट्रिप के वीडियोस तो रिकॉर्ड होते हैं लेकिन उसके साथ साथ GPS की वजह से लोकेशन इन्फॉर्मेशन भी रिकॉर्ड हो जाती है, तो आपको पता चलेगा कौन सा लोकेशन पे कौन सा वीडियो शूट हुआ है। और उसके साथ साथ आपको स्पीड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, विच इज एन एडेड बेनिफिट। एक और इंटरेस्टिंग फीचर है टाइम लैप्सेस। सो इट कैन क्रिएट जर्नी टाइम लैप्सेस, जिसकी वजह से आपकी जो लंबी लंबी वीडियो फुटेजेस होती है वो इतनी लंबी नहीं होती बिकॉज ऑब्वियसली टाइम लैप्स बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो ईजी हो जाएगा टू एक्सेस एनी पॉइंट ऑफ वीडियो। तो इससे आपको लंबी लंबी फुटेज देखने की जरूरत नहीं, आपके रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी एंड टाइम लैप्सेस यू कैन यूज इट इन योर वीडियोज ऑल्सो। सो बॉस 100 बात की एक बात, नाउ आई कैन नॉट गो ड्राइविंग विदाउट क्यूबो डैश कैम प्रो 4K। रीजन बींग डैश कैम मुझे पहले से चाहिए था और अभी कल से मैं चला रहा हूँ इसको विद डैश कैम। एक्सपीरियंस इज रियली गुड और सिक्योरिटी भी आपको मिल जाती है। आई थिंक इंडिया में हर कार में ये चीज़ होनी चाहिए। एंड माई सेल्फ बींग अ ट्रैवलर एंड अ व्लॉगर, मैं जब भी कार ट्रिप्स में जाता हूँ तो मुझे अभी बार बार मोबाइल या ये सब कैमरा निकालने की जरूरत नहीं है। आई कैन रिकॉर्ड यूजिंग दिस फ्रंट कैमरा एंड द रियर कैमरा एंड यूज दिस फुटेजेस इन माई वीडियोज़। सो अगर आपके पास कार है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट, आई हाईली रिकमेंडेड बाय द वे। सो आपको ये मिल जाएगा cuboworld.com इनकी वेबसाइट पे। हमारा कूपन कोड भी है जिससे आपको 10% डिस्काउंट फ्लैट मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करना विद माय कूपन कोड। एंड गाइस, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म परचेस, तो आपको एक बार ये चीज़ खरीद लिया तो आपको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं, सालों साल चलेगी। एंड यूजिंग माई कूपन कोड इट मेक्स इट प्रीटी अफोर्डेबल ऑल्सो। और भी इनके काफी प्रोडक्ट्स हैं, इनके वेबसाइट में आप जरूर चेक कर सकते हो। सो गो ग्रैब योर क्यूबो डैश कैम प्रो 4K टुडे एंड क्रिएट एवर लास्टिंग मेमोरीज विद दिस अमेजिंग प्रोडक्ट। और दिसंबर में हमारी होने वाली कार ट्रिप, तो वो कार ट्रिप में मैं ये डैश कैम के फुटेजेस अच्छे से यूज करने वाला हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर दबा देना एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू। अगर आपको ये प्रोडक्ट चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, आप चेक कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा।